नमस्कार, आप देख रहे हैं SW24 न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं हमारा अनोखा कार्यक्रम पत्रकार वार्ता लेकर। पत्रकार वार्ता में आज हम बात करेंगे खंडवा के बदलाव की। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री अनुराग मिश्र जी, जो जिनका खंडवा में पत्रकारिता का बहुत लंबा इतिहास रहा है। आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने शहर को बहुत करीब से देखा है। तो सारे बदलावों पर हम बात करेंगे श्री अनुराग मिश्र जी से। मिश्रा जी, आपका स्वागत है SW24 न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम पत्रकार वार्ता में। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हमने चर्चा की थी, खंडवा में बदलाव की। आज से 40 साल से आज तक खंडवा में जो बदलाव हुए हैं, चूँकि आपने बहुत करीब से इन सारे बदलाव को देखा है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव कैसे रहे हैं खंडवा को लेकर। भाई, जो आपने मुझे आमंत्रित किया, खंडवा प्राचीन रामायण काल में खांडवन के नाम से प्रसिद्ध जी, और कालांतर में धीरे धीरे वो खंडवा होता गया। आज से 40 साल पहले का खंडवा है, जो कि मेरी नज़र में आज भी घूम जाता है जी जी, उसको मैं आज भी मिस करता हूँ जी। पुराने दिन सभी को याद आते हैं। पिछले 10-15 सालों में बड़े बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह खंडवा में पिछले 15 सालों में तामीर हुई हैं जी, लेकिन वो पुराने खंडवा की खुशबू जी वो कहीं नजर नहीं आती। शहर जिस ढंग से फैलना था, बड़ा होना था जी, खंडवा शहर गलियों गलियों में ही सिमट कर रह गया है। और अब यह हालत हो गया है कि छोटी छोटी गलियां या मेन रोड पे निकलना, पार्किंग की अव्यवस्था आदि बहुत परेशान करती है। हाँ, पहले यह कहा जाता था कि तीन पुलिया के पास खंडवा खत्म हो जाता है, वहां से बाहर निकलो तो जंगल लग जाता है। इधर मुगट थाने के आगे लोग जाने से डरते थे, इधर इंदौर रोड पर अगर हम इंदौर नाके तक चले जाएं तो बहुत दूर हो जाता था। तो अब तो काफ़ी विस्तार हो गया है, लेकिन जिस तरह विस्तार हुआ है उस तरह का खंडवा का विकास भी हुआ है। खंडवा के जो लोग हैं उनकी सोच में बदलाव भी आया है। बढ़ती आबादी के साथ जिस तरह शहर का विकास होना चाहिए जी, वो प्लानिंग वाला विकास यहाँ खंडवा में नहीं हुआ है। यहाँ कभी शहर को के लिए प्लान नहीं किया गया जी। जैसे हम दूसरे बड़े शहरों को देखते हैं, वो विकसित हुए हैं, विधिवत प्लानिंग हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सीवरेज बना है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई प्लानिंग कभी किसी ने नहीं की है। आपके कोई पुराने ऐसे अनुभव हैं जो खंडवा को लेकर के, आप जिनको आज बहुत मिस करते हो? जैसे पेयजल व्यवस्था को ले लीजिए जी, पिछले 2-3 सालों से और बल्कि अभी कुछ दिनों से तो प्रतिदिन 3-3, 4-4 दिन कई वार्डों में पानी नहीं बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि करोड़ों की नर्मदा योजना पे करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया गया जी जी जी। जबकि पहले एक नागचून तालाब भी था जिससे पूरे शहर को पानी मिलता था, और मेरे ख्याल हम छोटे थे तब 24 घंटे नलों में पानी आता था। हाँ, शायद 24 घंटे पानी आता था। नागचून तालाब शहर में पर्यटन का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था। अगर खंडवा कोई भी आता था तो हम सभी उन्हें लेकर के नागचून जाते थे। नागचून पर भी करोड़ों अरबों रुपये खर्च हुए। आपको क्या लग रहा है, आज के नागचून और पुराने नागचून में कोई फर्क? आज के नागचून में पार्क वार्क लग गए हैं, टूटी फूटी रेलगाड़ी चलने लगी जी। बाकी जितना पैसा ये लोग खर्चा करते हैं उतना शहर को दे नहीं पाते जी। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, कुछ साल पहले, करीब 20 साल पहले, नागचून में एक पार्क बनाने की मांगने ही एक प्लानिंग आई थी। उस प्लानिंग में यह था कि जुरासिक पार्क की तर्ज पर नागचून पार्क को डेवलप किया जाएगा। उस दिशा में थोड़ा बहुत काम भी हुआ था। उसके बाद में हालांकि फिर योजनाएं आई गई, आती जाती रही, लगातार काम होते रहे, करोड़ों अरबों रुपए वहां पर लगते रहे, लेकिन आज भी पिकनिक स्पॉट के रूप में खंडवा में अगर देखा जाए तो सिर्फ नागचून ही है। आपको लगता है खंडवा में और कोई ऐसा स्थल है जो पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहाँ पे लोग जाके आराम कर सकते हो, घूम फिर सकते हो? एक रामेश्वर कुंड है, लेकिन वो कॉलोनियों में और मकानों में इसका दर घिर चुका है जी, कि अब आपका उसका विस्तार करने के लिए आपके पास स्थान नहीं है, जगह नहीं है वहाँ पर। अब जैसे मैं आपका ध्यान एक और इस पे इंदौर रोड पे हमारे पास एक अच्छा खासा झीलोद्यान तालाब है जी, उसकी अगर आज आप हालत देखें तो वो जलकुंभी से भरा पड़ा है जी। इतनी बुरी दशा है, जबकि वो मुश्किल के दिनों में आसपास के 7 वार्डों को पीने का पानी सप्लाई करता। लेकिन आज की तारीख में आप जाके देखें तो इतनी बुरी स्थिति, पूरा जलकुंभी से पट चुका है। झीलोद्यान के विकास की बात भी हुई थी बीच में, सुना जा रहा था कि
जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है वो वहाँ पर काम करने वाला है, उसको पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने वाला है, तो उसमें थोड़ा बहुत काम भी हुआ था, आपको लगता है वो काम हो पाया या कुछ वो नहीं हो पाया है? और मुझे ध्यान है कि जब मैं अपना अखबार निकालता था तो आरपी मंडल साहब कलेक्टर, आरपी मंडल साहब जी, तब हम उनके साथ गए भी थे, उनको बड़ा बहुत सारा उसको डेवलप करने का, एक दो बार उन्होंने गए वहां, उन्होंने कुछ प्लान नहीं, लेकिन उनके ट्रांसफर छत्तीसगढ़ बनने बाद वहां चले गए जी, फिर कुछ नहीं हो, वहां भी कुछ नहीं हो पाया, वो भी ऐसे ही अव्यवस्थित पड़ा हुआ, अव्यवस्थित आज भी पड़ा हुआ है। बाद में एनएचडीसी ने जरूर टैगोर उद्यान को गोद लिया और एक अच्छा पार्क खंडवा में डेवलप किया। इसके अलावा खंडवा में अगर पार्क देखे जाएं, अगर हम पार्कों की बात करें तो और कोई ऐसे पार्क हैं जहां पर आप जाकर के शाम को बैठना या टहलना अच्छा चाहेंगे? एनएचडीसी ने जो टैगोर पार्क बनाया वो है, और दूसरा पार्क मेरी नजर में दीनदयालपुरम में जी लोगों ने बनाया, लोगों ने बनाया, लोगों ने अपनी वही उसको मेंटेन करते भी करते हैं। वो मैं वहां से आते जाते देखता हूँ कि वो काफी व्यवस्थित और बढ़िया बात जी। इससे पहले जब अगर हम पुरानी बात करें, मतलब आपकी जो 40 साल पुरानी बात करते हैं अगर, तब खंडवा में नागचुन के अलावा और क्या हुआ करता था जहाँ पर आप जाकर के कुछ देर बैठ सकते थे या टहल सकते थे? तब तो मेरे को याद नहीं आता ऐसा कोई और दूसरा स्थल था। रामेश्वर पे लोग आया करते थे उस समय जी, रामेश्वर पे जाते थे, और 40 साल पहले तो शायद सिर्फ सिनेमा घर ही एकमात्र मनोरंजन स्थल हुआ करते थे, जहाँ खंडवा वाले जाते थे जी, और 3 टाकीजें थी आसपास जी, वो क्षेत्र शाम को बड़ा गुलजार, तिलुक टाकीज, आनंद टाकीज और प्रकाश टाकीज, शाम को युवा लोग सब वहाँ इकट्ठा हमारे लोगों की, वहाँ पे जो दधीची पार्क था वो भी उस समय काफी अच्छा हुआ करता था, समय अच्छा था, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वो गंजेड़ियों का अड्डा बन गया, वहाँ मालिश वाले लोगों को मालिश करने लगे तो उसका भी सब बेकार है। आज वहाँ पर तो पार्किंग बना दी गई है, मतलब इस तरह पहले जो पार्क हुआ करते थे खंडवा में वो पार्क खत्म करके उनके जगह नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। खंडवा में पार्किंग को लेकर के हमेशा दिक्कत रही है, खंडवा में पार्किंग को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि पहले और आज की स्थिति में कोई बदलाव आया है? पहले इतने वाहन ही नहीं थे, अच्छा जी, अब दोपहिया वाहनों की, चार पहिया वाहनों की इतनी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई। मैंने आपको क्या कहा ना, शहर आगे नहीं बढ़ा, शहर आगे नहीं, शहर अंदर ही अंदर वो हो गया, तो कंजेस्टेड हो गया। हाँ, आपको क्या लगता है शहर को किस दिशा में और बढ़ना चाहिए, मतलब जो फैलाव है इसका किस तरफ होना चाहिए? नगर तरफ शहर बढ़ सकता था, आनंद नगर नगर तरफ तो ज्यादा बढ़ सकता, हाँ, सिविल लाइन तरफ बढ़ सकता था, इंदौर तरफ बढ़ सकता था, अब रानपुर रोड थोड़ा वो है, बाकी खासतौर से आनंद नगर रोड तक तो बढ़ सकता, हाँ, मतलब आनंद जैसे हमने बड़े दूसरे शहरों में देखी प्लानिंग, नगर निगमों ने जिस और शहर बढ़ते हैं नगर निगम उस तरफ मार्केट बनाते हैं जी, उस तरफ वो बनाते हैं, तब व्यापारी जैसे बॉम्बे बाजार का व्यापारी निकलेगा जी, वो निकल के फिर इधर आएगा जी, लेकिन यहाँ तो शहर वहीं के वहीं अपने आप में घूमता रहेगा जी। खंडवा का एक बड़ा प्लस पॉइंट यह रहा है कि खंडवा में रेलवे स्टेशन रहा और ये 4 जोन से जुड़ा हुआ रहा। खंडवा में मीटर गेज लाइन भी थी, मीटर गेज लाइन चूंकि ब्रॉड गेज हो रही है इसलिए अभी बंद है, तो खंडवा जो रेलवे स्टेशन था वो हैदराबाद को भी सीधे जोड़ता था, जयपुर को भी सीधे जोड़ता था, बॉम्बे को भी जोड़ता था, दिल्ली को भी जोड़ता था, तो जयपुर से अजमेर वाली लाइन तो पिछले कुछ समय से बंद पड़ी हुई है, इसका कुछ प्रभाव पड़ा है जो ये लाइनें बंद हुई हैं? इसका प्रभाव लॉकडाउन के पहले बसेस ये थी कि बसेस चल रही थी जरूर से ज्यादा जी, और मेरा ख्याल है कि एक बार मीटर लाइन चालू हो जाएगी तो बसेस की संख्या चौथा ही रह जाएगी इंदौर खंडवा के बीच में जी, वो मार्ग कम यातायात कम हो जाएगा। खंडवा इंदौर जो लाइन है रेलवे लाइन उसका काम चल रहा है और काफी प्रगति पे है, सनावत तक के ट्रैक बीत चुका है, सनावत के बाद का काम चल रहा है, अगर ये काम हो जाता है तो खंडवा से इंदौर की दूरी लगभग 3 घंटे में सिमट जाएगी। इंदौर के लोगों के लिए भी खंडवा का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत मार्के का स्टेशन है, वो वहाँ से खंडवा आते हैं, खंडवा से बॉम्बे को 8 घंटे में पहुँच जाते हैं यहाँ से, दूसरे के किराया भी कम हो जाएगा, किराया भी कम हो जाएगा तुलना में, तो रेलवे की जो सुविधाएं थी खंडवा में, रेलवे की सुविधाएं आपको क्या लगता है कि पहले की तुलना में बढ़ी हैं या कम हुई हैं? नहीं, सुविधाएं तो कालांतर में बढ़ी हैं, खासतौर से खंडवा जंक्शन का फायदा खंडवा जिले के लोगों को काफी मिला है।
दादाजी दरबार को आपने शुरू से देखा होगा, आपने जब शुरू में दादाजी दरबार देखा था तो किस तरह का दरबार हुआ करता था वहाँ पे? आपने क्या छोटे दादाजी को देखा है? अगर देखा है तो क्या क्या हुआ करता था? इतनी उम्र मेरी नहीं है कि दादाजी के दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता, लेकिन ये जो अभी वर्तमान में भवानी माता का और दादाजी मंदिर का स्वरूप है जी, ये हमारे यहाँ एक इंजीनियर हुआ करते थे शायद अग्रवाल जी, अग्रवाल साहब थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था जी। और उसके पहले साधारण सा मंदिर हुआ करता था, मतलब तो कुटिया टाइप हुआ करता था या कि पहले भी जिस तरह हम लोगों ने बचपन में साईं बाबा का वो देखा था जी जी, उस तरह का हुआ करता था। इसके बाद ये रूप लिया और अब प्लानिंग तो है भविष्य में भव्य मंदिर बड़ा भव्य मंदिर बनने की, उनके आपसी जो तालमेल हो जाए तो शायद और भव्य मंदिर। तो हम वही चाह रहे थे, आपसे जानना चाह रहे थे कि जो पुराने समय में आपने जैसा खंडवा देखा है उसमें से खंडवा की कोई झलक आपको याद हो, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज से 40 साल पहले खंडवा कैसा था, बड़ा बम कैसा था, घंटाघर कैसा हुआ करता था, बुधवारा कैसा हुआ करता था, उनमें से आपकी जो भी याद। मुझे याद है कि राजनीतिक दलों की जो मीटिंगें हुआ करती थी आपसे जी जी, वो घंटाघर जो है हमारा वो उसका प्रमुख स्थल हुआ करता था, हृदय स्थल घंटाघर में एक छोटा स्टेज हुआ करता था और जितनी पब्लिक अंदर समा जाती थी वो अंदर आ जाती थी, बाकी हम लोग हम भी छोटे बाहर भी रहा करते थे। पहले दिन में टांगे में ऐलान होता था जी, फला पार्टी के फला मीटिंग वहाँ होने वाली है जी जी, और ऐसी आम सभाएं बड़ी वहाँ हुआ करती थी। उसके बाद दिवाली के समय मुख्य पटाखा बाजार भी दिए गए घंटाघर पर ही लगा करता, वहीं हम लोग छोटे थे वहीं पटाखे लेने जाते थे जी, वही नाम सप्ताह का मंदिर भी विट्ठल मंदिर जी उसका मेला भी वहीं पर लगता उसका मेला भी वहीं भरा करता था, जो बाद में फिर गांधी भवन में स्थानांतरित हो गया। और इसके अलावा मतलब और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको कोई चीज पुरानी वहाँ रही हो और अब नहीं है याद आती हो? हम लोग साइकिलों से नागचून जाया करते थे जी, जब स्टूडेंट्स थे तो हम छात्र लोग कभी कभार महीने 15 दिन में साइकिल से नागचून जाते थे, वहाँ घूमते थे, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो पुराने खंडवा की जो खुशबू है। अच्छा, खंडवा की पत्रकारिता की बात करें हम, आपने खंडवा की लंबे समय तक पत्रकारिता देखी है, आपने अपना अखबार भी निकाला है, तो आज तब और आज की पत्रकारिता में कोई फर्क नजर आता है आपको? तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर जी। तब पत्रकार हुआ करते थे जो विभिन्न समाचार पत्रों से संबद्ध होते थे या खुद का अखबार निकालते थे जी। आज ये पत्रकार गायब हो गए हैं। खंडवा से पहले अखबार भी खूब निकला करते थे। हाँ, निकलते। तो उनमें से कुछ अखबारों के आपको नाम ध्यान है? जैसे एक तो आपका अखबार हुआ करता था, उसका नाम क्या था? उससे पहले रामकृष्ण जी पालीवाल ने अंकुश निकाला, अंकुश निकालते थे, उनके बाद उनके पुत्र भाई कैलाश जी पालीवाल। अच्छा, कैलाश जी पालीवाल। मेरे पिताजी ने साप्ताहिक मजदूर निकाला था जो मुझे इन्होंने सौंपा 1985 में। 85 से 18 साल तक साप्ताहिक मजदूर का संपादन और वो मैंने किया, लगातार निकलता रहा। उसके बाद अलावा आगरकर साहब भी थे जी, आगरकर जी ने भी एक अखबार निकाला था। पत्रकारिता काफी, हम एक चीज बोल रहे हैं इसके अंदर, माखनलाल जी का कर्मवीर भी खंडवा से ही निकला करता था। खंडवा से निकला, वो शायद इन सबसे पहले की बात है, ये अंकुश के दौर वाली बात है, दौर वाली बात है। तो माखनलाल जी का जो अखबार होता था कर्मवीर, वो खंडवा की पहचान रहा है, खंडवा पत्रकारिता में हमेशा बहुत समृद्ध रहा है। खंडवा के जो पत्रकार रहे हैं वो बहुत विद्वान रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनकी जो कविता थी मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक राज, वो फूल चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक, इस कविता ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। अभी हम बात कर रहे हैं श्री अनुराग मिश्रा जी से, थोड़ी देर में हम आपसे फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों पर बात करने के लिए। SW24 चैनल ने जो दीपावली पे ये लॉन्च किया है उसके लिए SW24 चैनल को भी बधाई, और खंडवा वासियों को, खंडवा के नगर वासियों, खंडवा की शानदार जनता, जानदार जनता को लख लख बधाइयाँ कि ये न्यूज़ जो चैनल चालू हुआ है SW24, ये अपनी सभी की समस्याएं आपके सामने लाएगा, प्रशासन से पूरा जो भी है सभी समस्या सबके सामने रखेगा और निर्विघ्न होकर काम करेगा, ये इनकी विशेषता है। धन्यवाद। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आज खंडवा नगर में SW24 के चैनल के शुभारंभ पर
मैं इसके संचालन करता और सभी मीडिया साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही खंडवा शहर के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि खंडवा शहर के ज्वलंत मुद्दों को जनता के बीच में ला करके और सकारात्मक पत्रकारिता का आप निर्वहन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप प्रगति के पद पर उत्तरोत्तर वृद्धि करें, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष रुआ पठान, खंडवा शहर के लिए और पूरे निमाड़ अंचल के लिए जो SW24 एक चैनल शुरू हुआ है, मैं इस चैनल को मुबारकबाद और बधाई पेश करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से हमारे निमाड़ की जनता को, खंडवा शहर की जनता को अच्छे नए समाचार, शुभ समाचार और नई नई सौगातें मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः इनको मुबारकबाद और धन्यवाद पेश करता हूं कि ये चैनल हमारे खंडवा शहर के लिए, निमाड़ अंचल के लिए लाभदायक सिद्ध हो, फायदेमंद सिद्ध हो। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री अनुराग मिश्र जी, खंडवा में पत्रकारिता का लंबा इतिहास आपने देखा है। मिश्र जी से बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में खंडवा की भूमिका की। तो मिश्र जी, आपने बहुत लंबा देखा है, आपने काफ़ी बुजुर्गों के साथ समय बिताया है, खंडवा में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के कैसा माहौल रहा करता था? स्वतंत्रता संग्राम के मामले में खंडवा जिला बहुत अग्रणी रहा है आसिफ भाई जी। यहाँ मखनलाल जी चतुर्वेदी, भगवंत राव जी मंडलोई, आदरणीय सिद्धनाथ जी महोदय जी, और वैसे मेरे फादर यहाँ नहीं थे, वे रायबरेली जेल में थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जी। लेकिन वो कालांतर में यहाँ आए, तो यहाँ करीब 45-46 साल वो जिले के अध्यक्ष रहे जी। और प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महासचिव रहे जी। जी। यहाँ हीरा लाल जी सोनी, गोपाल लाल जी सोनी आदि बहुत, रायचंद नागड़ा जी प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। शायद खंडवा में जो गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल हुआ करता था, उसके ऊपर खंडवा में सबसे पहले तिरंगा झंडा फैलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है जी। और अभी वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक होटला बना हुआ है जिसपे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों का एक आलेख, सूची बनी हुई है। तो स्वतंत्रता संग्राम में खंडवा जिले का बहुत अग्रणी योगदान है। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय आप तो रहे होंगे, मतलब आपको होश होगा कि मतलब? नहीं, मैं तो मेरा जन्म 57 में हुआ, आजादी के बाद हुआ था। लेकिन तब भी खंडवा का जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खंडवा का एक बहुत बड़ा योगदान था। मखनलाल जी चतुर्वेदी खंडवा में रहते थे, खंडवा में रहने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उन्होंने बड़े आंदोलनों में अगुवा की भूमिका भी निभाई है। तो खंडवा में गांधी जी भी आए, खंडवा में नेहरू जी भी आए, आंदोलन के समय की ही बात है। तो आपको ध्यान है कौन कौन से बड़े नेता खंडवा आए थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान? आपकी स्मृति में रहे हो, आपकी बातचीत निकली हो कभी पिताजी से या इन लोगों से? गांधी जी तो दो बार आए हैं शायद, गांधी जी दो बार आए हैं। और फादर चूंकि उत्तर प्रदेश में थे जेल, तो उनके पास वहां की स्मृतियां ज्यादा थी, अच्छा, यहाँ की कम थी। तो एक जानकारी हमारे पास ये भी है कि मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी खंडवा से जुड़ी हुई रही हैं, उनका खंडवा में ससुराल था, उनका लिखा हुआ जो गीत है जी वो तो बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। उन्होंने लिखा था झांसी के रानी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, बहुत फेमस। तो खंडवा की बहू थी, ये खंडवा का सौभाग्य है। और आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में खंडवा में जो भी हुआ है, उनमें से अगर आपको कुछ, जैसे बाद में जब आज़ादी के 25 साल हो गए थे तो सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सबको ताम्रपट दिया था इंदिरा जी ने, शायद आपके यहाँ भी आया होगा। हाँ, मेरे पास। तो वो समय क्या था जब आप लोग गए थे आपके यहाँ से, मतलब उस ताम्रपट को लेने के लिए, उस सम्मान समारोह? नहीं, वो ताम्रपट मुझे ध्यान है जिला कलेक्टरों को आए थे। अच्छा, तो उन्होंने दिए थे, उन्होंने यहाँ उसके साथ प्रमाण पत्र, ताम्रपत्र वगैरह। आसिरगढ़ का जो किला है, पहले खंडवा जिले में ही आता था, आसिरगढ़ में एक बैरक बना हुआ है, बाद में उसके ऊपर हमारे जो खंडवा के
निमाड़ के वरिष्ठ कवि और लेखक थे श्री रामनारायण जी उपाध्याय, उन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी। उनका कहना था वहाँ पर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को लाकर के बंद किया जाता था और बहुत प्रताड़ित किया जाता था। कई स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की तो वहीं पर मौत भी हो गई थी, वहीं पर उनको शहादत भी मिल गई थी। हालांकि आसिरगढ़ अब बुरहानपुर जिले का हिस्सा है, लेकिन खंडवा के इतिहास से आसिरगढ़ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। पुराने खंडवा की यदि बात हम कर ही रहे हैं भाई, तो हमें स्वर्गीय अशोक कुमार जी, किशोर कुमार जी और अनु कुमार जी को भी याद करना होगा, जिन्होंने खंडवा को अखिल भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है जी। और उसके बाद किशोर कुमार जी ने तो अपनी मृत्यु के बाद यही कहा कि खंडवा में मुझे जी। किशोर कुमार का खंडवा के प्रति प्रेम ये बताता है कि खंडवा वाकई वो ऐसी जगह थी जहां पर हर कोई बसना और रहना चाहता था। इतने ग्लैमर के बाद भी उन्होंने अंत में एक मतलब वसीयत ही लिखी थी एक तरह से कि उनको खंडवा में अंतिम संस्कार किया जाए। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे उस समय का जब एक दौर था तब आप किस तरह शाम का वक्त बिताया? उस समय मुझे याद आता है आसिफ भाई की खंडवा की आबादी 1.5-2 लाख हुआ करती थी जी, और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, खुली खुली सड़कें होती थी, अच्छा खुशनुमा माहौल हुआ करता था, अच्छा वातावरण हुआ करता था। और युवाओं के पास आज की तरह मोबाइल या कंप्यूटर तो उपलब्ध था नहीं, तो शाम के समय स्टूडेंट्स वगैरह सब कई पार्कों में, सिनेमा चौक में, रेलवे स्टेशन के आसपास की चाय की दुकान, कॉफी की दुकानों में अपने अपना झुंड बना के अपने गप्पे शप्पे लड़ाया करते थे जी, जी, जी। और रेडियो ही एकमात्र साधन था जिससे हम खबरें या गाने सुना करते थे जी, जी, जी। और सिनेमा थिएटर ही एकमात्र मनोरंजन के साधन हुआ करते थे जी। इसलिए उन दिनों एक एक फिल्म कई कई हफ्ते चला, कई कई हफ्ते चलते थे, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हुआ करते थे, सिल्वर जुबली ऐसी मनाया करते थे वो। तो तब लोग, आप लोगों का समय शाम को, जैसे आज के समय में तो सब लोग मोबाइल में बैठ जाते हैं, सब लग जाते हैं, इंटरनेट पे बैठ जाते हैं, तब आप लोग शाम का समय कैसे एक्सपेंड करते थे? मुझे याद है हम लोगों के बस सर्विस चला करती थी जी। तो शाम को आखिरी बस अटेंड करने के बाद हम अपनी साइकिल उठा के सिनेमा चौक में आ जाते थे जी। और भी यार दोस्त इकट्ठा हो जाते थे और त्रिव टाकी के नीचे जो चाय की दुकान थी आदरणीय कैलाश भैया की, वो अब रहे नहीं जी, जी। वहां पे हम लोग इकट्ठे होकर इकट्ठे होते थे, चाय वाय पीते थे, चोरी छुपे सिगरेट मार लिया करते थे। तो ये हमारे शाम का वो रहता था, गप्पे लड़ाना, दिन भर की बातें करना, स्कूल की बातें करना, स्कूल में हॉकी फुटबॉल मैचेस की बातें करना, खेलों का बहुत अच्छा खंडवा में हो रहा है। खंडवा में बहुत ये याद आता है आसिफ भाई की जो हमारा उत्कृष्ट महाविद्यालय गवर्नमेंट हाई स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ पे सालाना हॉकी और फुटबॉल की प्रतियोगिताएं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हाई स्कूल लेवल पे होती थी और उनको देखने के लिए इतनी भीड़ जमा होती थी जी जी जी। उसके अलावा हमारे यहाँ एक अफजल खान साहब हुआ करते, अफजल खान साहब वो हॉकी को बड़े हॉकी के बहुत ही भगत थे आप कह लीजिए, और उनके प्रयासों से और तत्कालीन जो तो कलेक्टर्स होते थे जी, तब कलेक्टर 11 टीम खंडवा को रिप्रेजेंटेटिव करते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कलेक्टर और व्यापारियों के बड़े लोगों के से ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन स्टेडियम में हुआ, जिसमें इंडिया की बड़ी बड़ी, शायद इंग्लैंड की टीम ने भी यहाँ पे शो मैच करी है, इंग्लैंड या फ्रांस ऐसा कुछ शायद एक किसी टीम ने यहाँ पे जी, जी, जी। मैच दिया, वो मैच भी हम लोगों ने देखा है और पूरा खंडवा उमड़ जाता था। मतलब वो माहौल खेलों के प्रति खंडवा की दीवानगी उस समय कुछ और हुआ करती, बहुत हुआ करती थी, जो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता था कि अब नहीं के बराबर है, अब नहीं के बराबर। अब आज का युवा मोबाइल और कंप्यूटर में उलझ के रह गया। आसिफ भाई कवियों और शायरों के मामले में भी खंडवा लाजवाब हुआ रहा हुआ है। हिफाजत खंडवी शोक माहिरी साहब अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हिंदी साहित्य में, तो आज भी खंडवा का वही मकाम है जो पहले माखन लाल जी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो इतिहास वो रचा हिंदी तो साहित्य में जो था वो था, और शायर भी अच्छे अच्छे शायर खंडवा की सरजमी से, शब्द रजा खंडवी साहब और आपके काजी हसन रजा साहब, तो बड़े बड़े नाम रहे हैं खंडवा से भी, और हिंदी साहित्य में तो खंडवा काफ़ी गढ़ ही रहा है। मतलब अगर हम वहाँ से बात करें मखनलाल जी से, तो फिर श्रीकांत जोशी जी हैं,
रामनारायण जी उपाध्याय हैं, रामनारायण जी उपाध्याय को तो पद्मश्री भी मिली, पद्मश्री मिली है हिंदी साहित्य में, उनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्रीराम परिहार जी, डॉक्टर प्रताप राव कदम जी, कैलाश मंडलेकर जी, गोविंद गुंजन जी, खंडवा में एक बड़ा लंबी लंबी लिस्ट है इतिहास मतलब साहित्य और उर्दू अदब को लेकर के। अभी आपके हाथ में किताब नजर आ रही है, ये क्या है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि उसी सिलसिले में मैंने एक कोशिश की है और कैलाश मंडलेकर जी ने ही इस किताब की भूमिका भी लिखी। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये किताब आई है हमारे हाथ में, अनुराग जी ने इसे तैयार किया है, हम इसको देखेंगे। तो ये धन्यवाद, आपको बधाई भी इसके लिए। ये पुस्तक आपकी विमोचित हो गई है? नहीं अभी, अभी नहीं हुई है, अभी आने वाली है। कोविड के इसको देखते हुए मैंने अभी कोई वो नहीं किया जी। आगे चल के कोशिश करेंगे कि हमको एक अच्छा कार्यक्रम करें जी। बिल्कुल। तो आज अनुराग मिश्रा जी के साथ में हमने खंडवा की पुरानी यादें ताजा की है। अनुराग मिश्रा जी का खंडवा में पत्रकारिता का लंबा अनुभव रहा है, आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। आपने आपसे बात करके हमको खंडवा के बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू पता चले हैं जो बहुत सारे लोगों को जानकारी में नहीं होगा। तो हमारे साथ बने रहिए आप, इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।